विदिशा जिले के पठारी तहसील में ग्राम पलीता में सरजू प्रसाद तिवारी ने बताया कि हमारे गांव में मेघनाथ बाबा सर्वप्रथम पूजनीय हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम में कोई भी कार्य होता है तो सर्वप्रथम गांव के नागरिक मेघनाथ बाबा के चबूतरे पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पलीता में 4 समाज के लोग निवास करते हैं, जहां एक ओर पूरे भारत में रावण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं तो वहीं ग्राम पलीता में ग्राम के सभी ग्रामवासी दशहरे पर भगवान मेघनाथ बाबा के चबूतरे पर आकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। नागरिकों का पूर्ण विश्वास भगवान मेघनाथ पर है। नगर में कभी भी किसी भी पशु को कोई बीमारी हो जाती है तो भगवान मेघनाथ बाबा के चबूतरे से भभूति खिलाते ही अच्छा हो जाता है, यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती है। वहीं ग्राम के नीरज शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों ने एक बार भगवान मेघनाथ बाबा का स्थानांतरण कर मंदिर निर्माण करने की बात कही थी। नागरिकों ने मेघनाथ बाबा चबूतरे का स्थानांतरण करने के लिए पूजा अर्चना कर खुदाई की, लेकिन मेघनाथ बाबा की थाय नहीं ले पाए, जिसके बाद नागरिकों ने उसी चबूतरे को जीर्णोद्धार कर आज भी वहीं पर मौजूद है। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। पूजनी है सुलसाई, प्रथम पूजा ऐसे ही होता है, पहले नंबर पूजा यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर सब जगह बाद में सब जगह होता है। और सूर्य से मानता है, मानता भी है उनकी। किन देवताओं का बाप? मेघनाथ, मेघनाथ बाबा तो बना चबूतरा है ये। हाँ, यहाँ सारे कार्य जब होते हैं तो सब प्रथम यहाँ पूजा होती है। प्रथम पूजा है तो मेन पूजनीय गांव में यही है, यही मेघनाथ भगवान। हाँ, तो इनकी दीपावली पर कुछ ऐसे अलग से वो होती है पूजन? हाँ, दीपावली पे फाग पे अब है मेघनाथ जी बाबा का चबूतरा बना हुआ है, इनकी पूरी महत्ता क्या है? ये मेघनाथ बाबा का चबूतरा है, ये कई पीढ़ी से पूजते आ रहे हैं इस गांव में, जब से निवास हुआ है ऐसा ही देखा है सबका, और सर्वप्रथम मान्यता इनको ही दी गई है। जो हम देखते आ रहे हैं हमारे पूर्वज ये पूजते आ रहे हैं, सर्वप्रथम पूजा इनकी यहीं से होती है। और दशहरा जी आज का दिन है, कल लेने सबसे प्रथम पूजा इनका महत्व है, और इनका महत्व ये है कि यहाँ जो भी होती हैं कार्यक्रम सबसे प्रथम पूजा यहाँ होती है, इसके बाद वहाँ जाती है। जैसे रोज ढोर वगैरह जो जानवर हैं उनके रोग दुख हैं उनके लिए भी यहाँ सब प्रथम लाया जाता है, उनसे उसे फ़ायदा पड़ती है उनका चबूतरा का, उन्हें प्रसाद करवा के उनको जल जो भी होता है वो जल छिड़का जाता है। और इनकी एक विशेष इसके नीचे जो है ना वो क्या है, प्रतिमा नीचे अभिषेक का वो बना हुआ है, जो बताते आ रहे हैं अभिषेक करते थे वो बना है प्रतिमा। और इसके अलावा एक विशेषता है इनकी कि इनकी नाप जो अपन नापते हैं वो सही नहीं आती, ऊपर से अगर आप नापोगे तो एक बेतिया कम हो जाएगा, नीचे से अगर नापोगे तो एक बेतिया, एक से नाप नहीं होता है इनका। और कोई भी पूजा हो गांव में प्रथम सभी सबसे प्रथम पूजा मेघनाथ बाबा की होती है। अच्छा, यहाँ पे सभी समाज के लोग पूजन करते हैं ना, एक समाज? नहीं नहीं, सभी समाज के, पूरा गांव में जो भी समाज है पूरे समाज के प्रथम पूजा यहीं करते हैं, और पूरी समाज मानती है, जो भी समाज इस गांव में है पूरी समाज से प्रथम पूजा मानती है, और मेघनाथ बाबा को सभी मानते हैं यहाँ पे। ये इनकी पूर्वाई विकास खंड के ग्राम पलीता गांव है, यहाँ पर मेघनाथ बाबा का चबूतरा है, जिसको यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता हर सुख दुख में यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पूजा करती है। देखिएगा आप इस चबूतरे का आकार, यहाँ पर सर्वप्रथम जो स्थिति बनी है, यहाँ पर पूजन आरती जो भी यहाँ पर जो भी यहाँ गांव के लोग करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर प्रसादी चढ़ाते हैं, इसके बाद ही कुछ यहाँ से कुछ हो पाता है आगे चल के। यहाँ पर एक चीज़ और बताई है यहाँ के लोगों ने, गांव के, कि यहाँ पर चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो, यहाँ से जहाँ भभूति दी या जल दिया उनको रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ का इतिहास है, यहाँ का इतिहास पन्नों में भी लिखा है, अभी तक सुना था लेकिन आज आकर मैंने खुद स्वयं देखा है, यहाँ की जनता से मिला हूँ और वास्तु स्थिति की जानकारी ली है। ऐसा विदिशा जिले में प्रथम स्थान है शायद कि यहाँ पर पूज्य मेघनाथ बाबा पूजनीय है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।